प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ आप जैसी माँ की कृपा से ही भगवत प्राप्ति संभव है। माँ दुनिया का सब काम तो अहंकार से मैं कर रहा हूं ऐसा भाव रखकर दिन रात कर रहे हो, और जहां भगवान के भजन की बात आई तो उसका बोझा दूसरे पर डालना चाहते हो। भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करो, मैं भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके भगवान के लिए शुद्धा को जागृत करो। थोड़ी भूख से थोड़ा मिलेगा, संपूर्ण भूख लगाओ तो भगवान की पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। प्रश्न करता, माँ भगवान के स्वरूप का क्या प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है? माँ जो लोग साधन भजन करते हैं उनमें से किसी किसी को भाग्य से भगवत दर्शन भी होता है। योगेश घोष ने इस शरीर को अपने जीवन की एक सत्य घटना सुनाई थी। एक दफे वह अपनी मोटर में जंगल के रास्ते से जा रहे थे, इतने में रास्ता भूल गए। बहुत कोशिश करने पर भी रास्ते का कोई पता नहीं मिल रहा था। अब क्या करें, मन में बड़ा डर लग गया कि अब क्या होगा। इतने में उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक दौड़ता दौड़ता आया और कहा, चलो मैं रास्ता दिखा देता हूं। ऐसा कह ठीक रास्ते पर पहुंचा दिया। योगेश के मन में हुआ, उस लड़के को खूब पैसा बख्शीश दे दूं। जेब में से पैसा निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि इतने में वह बालक अदृश्य हो गया। इस प्रकार भगवान कभी कभी बचा लेते हैं। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रश्न करता, माँ मनुष्य में भी क्या ऐसी शक्ति आ सकती है? माँ मनुष्य भी भगवान के जैसा बन सकता है यदि उसको कोई असाधारण प्रेरणा और शक्ति मिले। यद्यपि प्रेरणा भी मन का ही एक भाव है, मन की प्रेरणा से सब बातें फलीभूत नहीं होती, तदपि सच्ची भगवत प्रेरणा से काम बन जाता है। मन की प्रेरणा में छंद संशय रह जाता है और सच्ची प्रेरणा निसंशय स्थिर ज्योति की तरह प्रकाशित होती है। प्रश्न करता, माँ संशय क्यों आता है? माँ कुसंग से संशय जागता है। तुम जिस अवस्था में हो वहां संशय जागने का स्थान है। आग के पास रहोगे और गर्मी ना लगे यह कैसे होगा? सिर्फ भगवत प्राप्ति से ही संशय मिटता है। बस हरि कथा ही कथा और सब व्यथा और वृथा है। प्रश्न करता, माँ मनुष्य पर अच्छे बुरे ग्रहों का असर पड़ता है, क्या दृढ़ मन के द्वारा उस असर को नष्ट किया जा सकता है? माँ जैसे अग्नि से जल सूख जाता है वैसे ही तुम भगवत शक्ति के द्वारा उस ग्रह के असर को मिटा सकते हो। भगवान पर पूर्ण भरोसा रखो तो ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, भगवत शक्ति के बिना उसका निग्रह नहीं हो सकता। प्रश्न करता, माँ गुरु को कहाँ खोजें? माँ जगत गुरु ही तो गुरु हैं, गुरु को ढूंढो। रोज व्याकुल होकर गुरु के लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान स्वयं ही गुरु रूप से प्रकट होकर प्रकाश देंगे। प्रश्न करता, माँ अगर ऐसी प्रार्थना से भी गुरु ना मिले तो? माँ प्रार्थना करो, अंदर बाहर सर्वत्र उनको खोजो तो भगवान जहां होंगे वहां से गुरु रूप से प्रकट हो जाएंगे। अंतर में यदि गुरु प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता हो तो गुरु से बिना प्रकट हुए रहा नहीं जाता। जैसे पृथ्वी में पड़ा हुआ बीज वृक्ष रूप से बाहर प्रकट हो जाता है वैसे ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना से गुरु भी जरूर प्रकट हो जाएंगे। गुरु के लिए सिर्फ तीव्र व्याकुलता चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जब सिखाता है तब विद्या आती है। जो पढ़ा नहीं उसको कोई प्रश्न नहीं है, बिना गुरु भगवान को कौन बता सकता है। जब तक तुमको गुरु ना मिले तब तक अपनी कोशिश
करते रहो। साधु महात्माओं का विशेष रूप से सत्संग करना चाहिए। सत्संग से भगवत प्राप्ति के लिए भूख बढ़ती है। प्रश्नकर्ता, माँ सत्संग कहाँ मिले? माँ, सत्संग की सच्ची इच्छा से सत्संग का रास्ता मिल जाएगा। सदग्रंथ सदालोचना, रामायण, महाभारत, भागवत, गीता इत्यादि ग्रंथों का संग करो। ध्यान, नाम जप, ईश्वर चिंतन, भगवत गुण वर्णन, रूप वर्णन इत्यादि, यह सब सत्संग का ही रास्ता है। प्रश्नकर्ता, माँ कोई कहता है कि मन ही गुरु है, यह बात क्या सत्य है? माँ, यदि मन को गुरु मानो तो देखो उस मन के उपदेश से क्या हुआ है। मन का गुण चंचलता है, मन गुरु नहीं है। प्रश्नकर्ता, माँ शब्द के साधन द्वारा गुरु उपदेश देता है, शब्द क्या मन की प्रवृत्ति नहीं है? आत्मा तो कुछ बोलता नहीं, जहां वाचा है वहां मन की प्रवृत्ति है। माँ, गुरु का मन स्थिर हुआ है, स्थित प्रज्ञ है। मन को स्थिर करने के लिए मन को वश में करो। मन को एकाग्र करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय हैं। साधना, ध्यान, जप इत्यादि में यदि मन ना लगे तो साधना से क्या लाभ? मन लगे बिना साधना की कुछ सफलता नहीं है। मन एकाग्र होने से एक मिलेंगे। प्रश्नकर्ता, माँ आप ही हमारे परम गुरु हैं, आपके पास हम लोग भिक्षा मांग रहे हैं। माँ आप ही तो भगवान हैं, गुरु भी तो भगवान हैं, उनसे प्रार्थना हर समय करते रहो। जैसे पत्थर पर सब समय पानी पाटते रहें तो वहां पत्थर भी घिस जाता है। इसी प्रकार अविरत प्रार्थना जप ध्यान से जड़ मन भी चेतन हो जाता है। नित्य कर्म करो, साधना में लग जाओ। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।